जितना दिन जा रहा है उतना प्रूव बनते जा रहा हूँ भाई। लिटरली आरसीबी का तो भाई लगातार मैच जीतते जा रहे हैं। चल झूठा। तो आज हम लोग भाई वर्ल्ड कप सिलेक्शन मैच खेलेंगे भाई, जैसे TRI सीरीज, नॉट टी, ठीक है? अच्छा, वर्ल्ड कप का तो मतलब फुल शेड्यूल निकल चुकी है भाई। ईडन गार्डन में मैच होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जरूर जाएंगे मैच देखने, मतलब मैच देखने जरूर जाऊंगा भाई, लिटरली मजा आ जाएगा। पर आज भाई हम लोग खेलने वाले हैं TRI सीरीज भाई, बहुत एक साल के बाद खेलने जा रहा हूँ। पर कौन सा टीम आज हम लोग सिलेक्ट करके खेल रहे हैं वो आज देखने वाले आप लोग भाई। अगर आप लोग चैनल के अंदर न्यू आ रहे हो गाइस, क्या कर रहे हो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दो। लिटरली भाई TRI सीरीज चाय पीते टीटी करेंगे। चलो आ जाओ। सबसे सस्ता भाई, सस्ता है हमारा TRI सीरीज में। पहले हम लोग को टीम सिलेक्ट करो। यहाँ पे बहुत दिन के बाद भाई कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने जा रहा हूँ भाई, मजा तो आएगा। T20 रहेगा हार्ड मोड में, अगर ये ठीक ठाक चला तो एक्सपर्ट हार्ड कोड तो जरूर आएगा, हम लोग खेलेंगे। चिंता तो प्रो बन रहे हो भाई, प्रो लेवल टू लेवल प्रो बनते जा रहे हैं हम लोग। अब हम लोगों ने इंडिया लिया, ऑस्ट्रेलिया लिया, न्यूजीलैंड लिया भाई, तीनों सबसे बड़ा बड़ा टीम भाई। अब होगा कांटे का टक्कर, सीधा मिलते हैं हम लोग को टॉस टाइम के अंदर। चलो सीधा आ चुके हैं हम लोग टॉस के अंदर। आज हमारा मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड भाई। न्यूजीलैंड के साथ जब भी मैच होता है भाई तब भी मुझे डर लगता है हारेंगे या जीतेंगे, पर कोई बात नहीं, आज हम लोग को जीतना बनता है। टेल्स लेते हैं क्योंकि आज हम लोग खेल रहे हैं अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी। टॉस हार गए, अरे यार ये कैसे कर दिया, टॉस हार गए हम लोग भाई। ये मतलब शुरुआत ही अगर बुरा हुआ भाई सोचो भाई, तो कोई बात नहीं, बैटिंग हम लोग को मिला है उन लोगों ने, बॉलिंग लिया है, हम लोग बैटिंग लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम लोग को डिफेंडिंग करना होगा। हाँ, पहला ओवर करेंगे हमारे लौंडा फर्गुसन, अबे साले, मतलब लौकी फर्गुसन, लौकी मतलब सब्जी वाला नहीं, ये हमारे प्लेयर वाला है बच्चे के दिल में। रोहित शर्मा भाई प्लीज, रोहित शर्मा भाई एटलीस्ट मतलब सीरियस मैच खेलो भाई। एक नहीं तो भाई आजकल इतना डाउनफॉल चल रहा है हमारे रोहित शर्मा का, जैसे हमारे अकल भाई का चल रहे हैं यहाँ पे। बात नहीं, पहला बॉल ही था यहाँ पे, वाह पहला बॉल, मतलब फील्डिंग कर रहे गुलाटी मार के, अगर मैं होता तो भाई लिटिल बॉल को बाउंड्री दे देता। हवा निकल गई। दामाद जी, आज भाई हम लोग भाई प्लेयर का नाम भाई क्या क्या बोल रहे हैं, दामाद जी, रोहित शर्मा, क्या बोल रहे हैं हम लोग। कोई बात नहीं, शुरुआत बहुत ही गंदा भाई, क्या बोलिंग, क्या पिच बनाया भाई, ओ स्लोअर बॉल भाई, पिच एकदम कड़क है भाई, हम लोग को बहुत ध्यान से खेल रहे हैं हम लोग भाई, बिल्कुल नहीं खेले। ओ शॉट, ये फील्डर है वहां पे, टाटा गुड बाय। यार रोहित शर्मा का दिन बहुत खराब जा रहा है लिटरली, पता नहीं भाई, लगता है 2023 का भी लगता है रोहित शर्मा के बल्ले से हम लोग 50 भी नहीं देख पाएंगे, 100 तो छोड़ दो रोहित शर्मा पे वापस छाड़ करके। अभी तक हम लोग का रन रेट बहुत ही गंदा जा रहा है, कहां से घुमा भाई, फिर से एज भाई, ये एज हम लोग का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है मुझे बताओ यार, ये एज की वजह से हम लोग इस ओवर के अंदर 2 विकेट बिल्कुल भी 0 पे आउट, लिटरली पैसा बर्बाद। 2 विकेट गिरने के बाद लिटरली हमारा मनोबल पूरा टूट चुकी है। सीधा ये पहला 4 रन, मुझे लगा था आप लगते हैं और बाउंड्री नहीं आएगा, बाउंड्री घर जा चुकी है यहाँ पे। चलो पहला 4 रन थोड़ा रिस्क शॉट था, धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग रन में आते जा रहे हैं यहाँ पे। ओ 4 रन यस इस ओवर के अंदर आ चुकी है, 4-7 और हो चुकी है 5, चलो 8 रन तो आ चुकी है भाई। अगर 8 रन मेंटेन करे तो सामने की तरफ पूरा गैप लिख रहे हैं यहाँ पे इस सोधी। यस आज भाई दामाद जी का दिन है भाई, दामाद जी खेलेंगे आज, दामाद की ओर से भाई बहुत सारा चौके मिल गया भाई। धीरे धीरे हम लोग भी गिरगिट की तरह रंग चेंज कर रहा है यहाँ पे, कभी इधर कभी उधर, अब हम लोग को हिट करना पड़ेगा, हिट नहीं करेंगे तो वो बाउंड्री नहीं निकल पाएंगे। चलो इस ओवर के अंदर 10 के ऊपर रन आ चुकी है, वाओ भाई, देखो शुरुआत इतना घटिया हुआ था, पर देखो भाई बीच में आकर हम मैच को पकड़ लिया हम लोग। टारा सुमित गिल है हमारा, सितारा, सितारा क्या भाई, अब तारा कौन है भाई, नहीं तारा नहीं, सिर्फ सारा, जहाँ देखो चौके पे सारा, क्योंकि मैं अब फास्ट बॉल से था बच गए, अगर नो बॉल दी तो अच्छा होता भाई। 45 में पहुंच चुके हमारे गिल जी, अब भाई हम लोग को सुमन गिल से 50 करवाना है, 4 मार दिया, अरे भाई 4 भी नहीं हुआ, नहीं तो पूरा गैप था यहाँ पे, पर नहीं हम लोग को भाई लॉफ्टर शॉट नहीं खेलना चाहिए था, हमको आराम से खेलना चाहिए भाई, बच गया फेंक दिया यहाँ पे, पर नाइस। इस सिचुएशन पे सुमन गिल ने 50 किया, सोचो भाई, मतलब अभी तक सिलेक्शन भी नहीं हुआ हमारा वर्ल्ड कप के अंदर। वाओ गाइस, इस बात के लिए एक लाइक तो बनते हैं, और जो लोग चैनल के अंदर न्यू सब्सक्राइब कर दो, बेल को ठोक दो। इस सोडा को बोलिंग दिया, मतलब एक सोदी को बोलिंग दिया यहाँ पे, ये शॉट, इस सोडा को यहाँ पे बोडा कर दिया अभी, ये गेम एकदम पार्क में, सॉरी स्लॉट में गेंद गया नरेंद्र मोदी के स्टेडियम पे। यादव जब सपोर्ट कर रहे सुमन गिल को, देख के अच्छा लग रहा है, फिर से यॉर्कर, अलग गए
राम पैर ने यहाँ पे खड़ा कर दिया अपना उंगली, पर हम भी खड़ा करेंगे आप उनका उंगली, तो कर दो यहाँ पे चैलेंज। यस भाई बच जाओ। पिचिंग इनलाइन है क्या? ये तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर। पिचिंग आउटसाइड ऑफ भाई, एक तो ग्रीन हो जा भाई, इम्पैक्ट भी नहीं है रेड। क्या इडी लॉस्ट भाई, फास्ट बॉल भी आजकल इतना घूम रहा है। सोचो भाई रखते हैं पे टेस्ट पिच के पे लेंथ रख दिया इन लोगों ने। वाह क्या बॉलिंग किया भाई। सूर्य कुमार यादव ने कुछ खेला ही नहीं है भाई, लगता है पूरा जो टीम है ना सुपर किल को भरोसा करके रखा है भाई। 15 करके वापस, स्ट्राइकर भी उतना अच्छा नहीं था। सुपर किल इतना डॉट क्यों खा रहा है भाई, चार मारने के बाद इतना डॉट का भाई। ये कनेक्शन कितना सही हुआ, चार रन 91 पे जा चुके 47 बॉल पे, 100 के कितना करीब आ चुके भाई। मतलब अभी तक सोचा भी नहीं है किसी ने। आप भाई फुल फॉर्म में लग रहा है, ब्रेसवेल शॉट 97 पे भाई, तालिया दो भाई, आज तो कमाल कर दिया भाई, कमाल ही कर दिया। और सिर्फ 3 रन चाहिए 100 करने के लिए। शॉट सुमन गिल भाई, 13 ओवर के अंदर कितने सोचा हम लोग 100 मार पाएंगे। शुरुआत इतना गंदा, 2 विकेट गिर चुका था। आज देखो भाई, भाई कमेंट के अंदर कुछ बोलो सुमन गिल के लिए भाई। 51 बॉल पे 101 रन, 10-4 छक्के। इज्जत मार्केट में आज फैल रहा है भाई, राय तो इतना फैल रहा है इज्जत। 150 भी हम लोग मार सकते भाई, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं हम लोग। ये अरे ये क्या फील्डिंग किया भाई, क्या आइसलैंड के अंदर फील्डिंग कर रहे हैं क्या, इतना स्लीपर ही कैसे हो गया। चल कोई बात नहीं, 100 तो मारा भाई, पर बहुत सही बल्लेबाजी किया। पर न्यू में एनिमेशन आएगा मैंने सुना था भाई, जैसे यहाँ पे 100 करने के बाद शाखा के अंदर वापस जा रहा है अपना हेलमेट खोल के, वापस आएगा। अभी हमारे हार्दिक पांड्या को हाथ खोलना पड़ेगा। ये बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन। ये रहा ऑक्टल फायर, नॉट हवाई फायर भाई। एक गेट तो क्या बात है भाई, हमारे युवा खिलाड़ी आज धमाका मारेंगे ना। यॉर्कर बॉल, फिर से यॉर्कर भाई यहाँ पे खेला तो बहुत सही, भाई कैच मिस करते भाई, ये कैसे गारंटी भाई। मेरे नसीब में यॉर्कर बॉल भाई, ये मेरा वीक पॉइंट है, आप सब लोग जानते हैं, किसी को बताना मत। नहीं किसी को बताना मत, ठीक है, मेरा वीक पॉइंट है, ठीक है। अच्छा ईशान किशन फिर से केन विलियमसन कैच भाई, लॉन्ग लेग लग चुकी है, फील्डिंग एकदम जबरदस्त। अक्षर पटेल, क्योंकि जडेजा पटेल को कुछ करना पड़ेगा, पर किशन तो कुछ कर नहीं पाया। और हार्दिक पटेल छोड़ दो, क्या पता गड्डू भाई इस ओवर के अंदर पूरा धो दिया पिच को यार भाई। ये यस जीवे 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 लो भाई, आज और टीआरएस सीरीज पे कमाका भाई, 200 तक पहुंच रहा भाई, 200 तक पहुंच रहा है हम लोग को भाई। कैप तो है, अरे फील्डर भी है वहां पे, दो दो तीन 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 नहीं मिलेगा, रिस्क नहीं लूंगा भाई भाई, क्योंकि 6 विकेट गिर चुकी है। ये दोनों बल्लेबाज इसका कोई बल्लेबाज है ही नहीं। 200 तक हम लोग को पहुंचना ही होगा यहां पे। यस 200 पहुंच गए। न्यूजीलैंड के सामने बड़ा स्कोर अगर नहीं करोगे तो भाई क्या बनता। लास्ट बॉल इस इनिंग्स का, 1-6 तो बनता ही है, तो बाउंड्री बनता है। अरे यार पीछे क्यों मारने गए थे यहाँ पे, अब क्या कर सकते हैं, बहुत ट्राई किया। चलो कोई बात नहीं, 200 तक हम लोग क्या है, मतलब न्यूजीलैंड के सामने 200 करना बहुत मुश्किल है, फिर भी किया हम लोगों ने टीआरआई सीरीज के अंदर पहली बार। चलो अभी टारगेट भी लगा 202 रन न्यूजीलैंड को, देखते हैं पार ओवर के अंदर 10 करके कर पाती है नहीं। हम लोग को बैटिंग के अंदर नहीं भाई, बॉलिंग के अंदर ध्यान देना है, बैटिंग के अंदर दे दिया पहले ओवर के अंदर, पहले बॉल के अंदर 4 रन। हम लोग बॉलिंग के अंदर ध्यान देंगे तो जरूर, बॉलों भी बैटिंग के अंदर ध्यान देंगे भाई। ये याद रखना न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है भाई, अच्छा खासा रन डेट पटोर दिया इन लोगों ने। कैच इट, फास्टेस्ट कैच, फास्टेस्ट कैच इन द हाउस। पहले ओवर के अंदर मोहम्मद शमी भाई, ये तो मानना पड़ेगा मोहम्मद शमी रन भी खाता है, मतलब विकेट भी लेता है। मतलब न्यूजीलैंड के सामने मोहम्मद शमी इतना बड़ा बॉलिंग करेगा, मुझे पता था भाई। एलन लिटिल फॉल हो गया, तगड़ा भाई तगड़ा पीछे भाई, पीच एकदम जबरदस्त। नाइस फील्डिंग, नाइस बॉलिंग, और क्या बोलूं भाई। केन विलियमसन भाई, ये जब स्ट्राइक पे रहेगा, ये जब तक क्रीज में रहेगा, इसको आउट करते करते भाई पसीने छूट जाएंगे, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरी बात यहाँ पे गौर कर लेना। पावर प्ले के अंदर ही हम लोगों ने स्पिनर से एक बार ट्राई करने की कोशिश। अरे भाई साहब मैंने क्या बोला, मैंने इससे पहले क्या बोला था, विलियमसन इस तरह से खेलेगा आपको पता नहीं चलेगा भाई रन कहाँ से आ गया और बॉल कहाँ से कर रहे हो। हमारे मतलब आपको मत सिखा, आप तो हमारा डेवन कॉनवे साहब को यहाँ से निकालना पड़ेगा लगता है भाई, क्योंकि ये दोनों अगर सेट हो गए तो भाई हम लोग 9 विकेट से हार सकते हैं, पर आप हारेंगे नहीं। अभी 10 के रन के ऊपर हो गया न्यूजीलैंड को, जद को तो पेल दिया भाई पहले बॉल के अंदर ही यहाँ पे भाई। शॉट भाई साहब 86 बॉल में 154 रन किया, अब तो हो गए 148 रन की। चड्डी को टारगेट कर रहे हैं पहले के लिए, स्पिनर तो हमारे पास बहुत अवेलेबल है, पर क्या कर दिया, आउट है।
देवदास कन्वॉय आउट, डेवन कन्वॉय सॉरी देवदास नहीं, यस युजवेंद्र चहल भाई कमाल कर दिया युजवेंद्र चहल ने भाई, डेवन कन्वॉय पापा 36 करके बहुत उछल रहा था। अभी तक मैच हमारे मुट्ठी में है भाई क्योंकि 10 के ऊपर रन आउट है, अगर ये मैच जीतना चाहते हैं तो भाई अगर इसका हम लोग 15 के ऊपर कर दिया तो सोचो भाई ऑलमोस्ट हमारे हाथ से मैच आएगा, पहला मैच पहला दिन हमारा विन भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो गया अब तो तू तू मैं आगे बैठे क्योंकि भाई हमारा हार्दिक पांड्या बैटिंग में कुछ नहीं कर पाया पर बॉलिंग का अंदर कुछ कर सकता है, पर मुझे अभी भी डाउट है भाई क्योंकि 10 का रन रेट फिर से यहाँ पे कंटिन्यू हो गया, चहल को फिर से बॉलिंग दिया है पर 5 रन दे दिया भाई, कैच इट चहल 2 विकेट आज कमाल कर दी चहल ने भाई, लिटरली जडेजा को टारगेट कर रहे और चहल के ऊपर उनको लेते जा रहे हैं, ओ पर आउट कौन हुआ भाई, अरे फिलिप्स आउट हुआ 28 करके, पर केन उसका आउट नहीं कर सकती इतना जल्दी भाई, झुकेगा नहीं चैंपियन आई है क्या बात है, पर आज लगता है अरे विलियमसन ये लगता है हमको टारगेट कर रहा है, पर हमारा नशे का जड़ यही होगा केन विलियमसन, इसको कैसे आउट करूं भाई, चैंपियन वर्सेस चहल दोनों ही चेच है CH यहां पे कैच इट फिर से दिया हम लोगों ने, अरे आज जडेजा पूरा फ्लॉप है, 33 रन दे चुके भाई अभी तक 3 ओवर कंप्लीट नहीं हुआ भाई, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत रन दे दिया भाई और ओवर नहीं दूंगा, रन रेट थोड़ा सा पे डाउन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ओ भाई साहब डार्ली पिचल भी शुरू हो गया भाई, लोग फिर से मुझे टेंशन में डाल दिया यार, मुझे आप में कमेंट्री नहीं कर पाऊंगा, विलियमसन 50 के बहुत पास है, अब भाई साहब क्या शॉट था भाई जबरदस्त, आजकल भाई नया नया शॉट देख के अच्छा लगता है यहाँ पे, और हो गई ना काम तमाम, पर ये वीडियो में बता भाई ये पार्ट में पाप भी दिखा रहा हूँ, स्क्रिप्ट में नहीं दिखा पाया पर बहुत सही खेला, अब तो हार्दिक पांड्या के ओवर के अंदर 50 किया, देखते हैं क्या होता है आगे जाके, पर बहुत सही खेला विलियमसन, लास्ट 18 बॉल बाकी है भाई, विलियमसन आउट, यस फाइनली विलियमसन को विकेट मिल गई, मुश्किल कैच को किया सर, आओ भाई गले लग जाओ भाई, नहीं गले लग जाओ आप लोग भाई, यहां से आई थिंक मैच हम लोग भाई मोड़ ला दिया भाई, इसको बोलते हैं मैच का टर्निंग पॉइंट, हार्दिक पांड्या बैटिंग में नहीं बॉलिंग में कमाल कर दिया, 12 बॉल में 30 चाहिए भाई, ओ ओ ओ 6 ये बड़ा छक्का तो भाई लिटरली मेरा नींद रात का नींद उड़ा देगा भाई, अब तो मुश्किल है भाई भाई डॉट करियो भाई डॉट, यस भाई इस ओवर के अंदर बहुत रन दे दिया भाई, लास्ट ओवर किसको दूं, मोहम्मद शमी भरोसे का कंधा, ब्रेसवेल विकेट, यस खूबसूरत लास्ट ओवर के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर मोहम्मद शमी ऐसे ही सिलेक्ट हो जाएगा, चहल तो मिल चुकी है सिलेक्शन और क्या चाहिए, लव यू भाई लव यू लव यू लव यू, अब बात भाई ब्रेसवेल वेल बोल्ड, अब देखते हैं भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मोहम्मद शमी, ए कैच इट जीतने का आशा है हमारा, पिक तो नहीं हो पाया भाई, एक सोडा तो अच्छा खेल रहा है, एक सोडा मतलब सोदी, अरे ये बॉलर हो क्या अच्छा खेल रहे भाई, 7 विकेट गिर गया इस टाइम पे, मार क्यों मार रहे भाई, मैच जितवा दे भाई, बोलर से हारेंगे तो गजब का बेच जीत, वाइगर का डाला हम लोगों ने 100 दी, ओ ये क्या कर दी भाई, ये शॉट देख के लिटरली मेरा गूज़बम्प आ रहा है, तो भी गूज़बम्प भाई साहब, एक बॉल में 3 रन चाहिए, 100 अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं यहाँ पे, मारना ना भाई, क्या चल गया वो नहीं भाई 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 भाई, भाई, भाई एक रन भाई, अरे 2 रन भी ले ली, अरे मैच ड्रॉ करवा दी इन लोगों ने, 3 रन ले रहा है आउट, फर्स्ट टाइम रन आउट क्या से टूट गया था पप्पी के दिल में, यस क्या कमाल का बैटिंग किया, मैच हो गया टाई और बढ़िया, मतलब होगा अब सुपर ओवर, चलो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सुपर ओवर भाई, मतलब हम लोग भाई धीरे धीरे एशिया कप के अंदर बढ़ रहे हैं, फ्रे एलन भाई फुल नेम मुझे लिटरली पता नहीं है पर आप लोग कमेंट के अंदर बोल देना, पर कोई बात नहीं भाई, लिटरली सुपर ओवर खेलने में कुछ अलग ही मजा आता है, मतलब हर बॉल के अंदर अगर एक बॉल मिस हो गया सोचो नेक्स्ट बॉल के अंदर हमको मारना ही है, पर अभी तो हम लोगों को मारने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोगों को करना है फील्डिंग चेंज और बॉलिंग, बॉलिंग करेंगे मोहम्मद शमी, पर ये फील्डिंग तो मुझे सही लग रहा है, पर 5 फील्डर तो बाहर होना चाहिए, 4 फील्डर कैसे हो गया, रुक जाओ मैंने बॉल तो डाल दिया है यहाँ पे, फै एलन एलन जी आजकल भाई यॉर्कर खेलना मतलब सब लोग के लिए बाएं हाथ का खेल हो चुके भाई, मतलब कितना आसान तरीके से खेल लिया,
ये यॉर्कर नहीं डालना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बॉल गिरा है, मतलब स्लॉट मेकिंग बोल सकते हैं। ये ओ भाई साहब क्या शॉट मारा भाई वत्री भाई, मजा आ गया शॉट देख के, पर चार तो खा गया ना, हम लोग 8 रन तो 2 बॉल के अंदर हो चुकी है, हम लोग कर पाएंगे नहीं पता नहीं। एवन कनवॉय अभी तक एक बॉल भी नहीं खेला यहाँ पे, कैच और एक बॉल को देखा तक भी नहीं यहाँ पे भाई, मैं फील्डर बाहर रख दिया भाई, और कितना फील्डर बाहर रखूं भाई, जहाँ पे गैप वही भी मर रहा है भाई, लास्ट बॉल है भाई, भाई 17 कर दिया, और मत करो भाई वाइड और कर, ओ कितना बड़ा सिक्स, कितना बड़ा मैदान पे भाई, 20 के ऊपर रन हो गई भाई, हम लोग कैसे कर पाएंगे। अरे सुपर ओवर के अंदर 20 के ऊपर रन बहुत होता है, आई थिंक 23 ही हुआ है, 17 था 6 हुई है तो 23 रन, मतलब 6 बॉल पे करना पड़ेगा हम लोग को 24 रन, गैप खत्म। लॉकी फर्गुसन है भाई, लॉकी फर्गुसन को बहुत जोर से बॉलिंग करते भाई, ऐसे धीमी बॉलिंग करो तभी मैं मार पाऊंगा भाई, पर इन लोग के टाइम भाई 5 फील्डर बाहर कैसे भाई, हम लोग के टाइम बस सिर्फ 4 फील्डर बाहर था, ये तो चीट गया भाई, पर कोई बात नहीं, पीछे की तरफ पूरा खाली लग रहा है मुझे, शॉट 6 थोड़ा आगे गिरा, अगर 6 था बहुत ही अच्छा था, कोई बात नहीं 4 तो मिला, मतलब 6 बॉल में 6 चार चाहिए, थोड़ा सा बाउंसर लग रहा है बॉल, शॉर्ट पिच गेंद लग रहा है, शॉट सुपर बॉल कैसे, अरे यार लॉकी दा फारुगु भाई, 1 6 चाहिए भाई, 4 बॉल में 20 से 1 6 चाहिए, अरे सिंगल नहीं ये 4 रन भाई, 1 6 की कीमत तुम क्या जानो दर्शक बाबू भाई, प्लीज 1 6 दिला दो भाई, चौके से काम नहीं होएगा भाई, 2 बॉल में 13 चाहिए भाई, ये 2 बॉल में 2 6 चाहिए मैच को ड्रॉ करने के लिए, विराट कोहली अरे यार ये मैच भी हार गए हम लोग यार, लिटरली भाई मतलब इतना मेहनत से खेले भाई, कैसे हार सकते हैं हम लोग, एक नो बॉल करवा दे भाई, एक नो बॉल करवा दे, तेरे ऊपर आभारी रहूंगा भाई, चिक दिल में यहाँ पे, सोच बढ़िया अरे तेरी सोच कैसी की तैसी, तेरी सोच बढ़िया थी पर शॉट तो अच्छा नहीं था ना आई जकावत भाई, आप लोगों ने भाई आप लोग सुपर ओवर खेल सकते हो, सुपर ओवर फ्री है, मतलब मैच को ड्रॉ करके सुपर ओवर खेल सकते हो, पर लिटरली बहुत बढ़िया, बहुत गंदा है भाई, बहुत ही गंदा मैच होगा भाई, मतलब गंदा नहीं एकदम हाई टेंशन मैच किया भाई, मतलब ये मैच हार गए सुपर ओवर के जगह हार गए भाई, वो भी टूर्नामेंट के अंदर, वाह डार्ली मिचेल मैन ऑफ द मैच, इंडिया तो लास्ट में ही होगा ये हम लोग को पता है, फिर भी 0 पे है भाई, और न्यूजीलैंड माइनस पे है, देखा जाए तो अब नेक्स्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के मैच के अंदर, ये मैच तो आप लोग को जीतना ही है, गजब का मैच गया भाई, लिटरली आप लोगों को भी अच्छा लगा मुझे पता है भाई, लिटरली ये मैच खेल के मजा आएगा, देख के मजा आएगा, पर ये टूर्नामेंट तो चल रहा है आप लोगों को पता है, पर इसके साथ और क्या खेलूं, एशिया कप खेलूं या वर्ल्ड कप खेलूं, आप लोग कमेंट के अंदर बताओ, क्योंकि ये दोनों के अंदर एक टूर्नामेंट तो हम लोग को ज्वाइन करना है वर्ल्ड कप के लिए भाई, वर्ल्ड कप खेलूं तो भाई T20 वर्ल्ड कप भी खेलना पड़ेगा, 50 ओवर का वर्ल्ड कप भाई खेलने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, लिटरली आप लोग कमेंट के अंदर जरूर बोल देना, अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, अगर चैनल पर नहीं है तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना, मिलते गाइस कल के वीडियो के अंदर, कल एक बहुत ही ओपन वर्ल्ड गेम आएगा, टाटा बाय बाय।